हेलो फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप सभी और इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और आज मैं बतलाने वाला हूं एक ऐसे पेरेंट्स के बारे में जहां मैं पढ़ाता था और उनका बिहेव इतना गंदा है कि मैं क्या बताऊं मतलब पेरेंट्स हैं यार भाई जब मैं पढ़ाया हूं तुम्हें तीन दिन डेमो लिए तुम्हें नहीं पसंद है यार छोड़ दो तीन दिन डेमो दिया उसके बाद वो आठ दिन पढ़वा करके मेरा पैसा नहीं दिया सोचिए उसके लिए मैं क्या करूं लड़ाई करू मैंने साफ साफ कहा उससे अगर नहीं देना चाहते हो तो मत दो साफ साफ बोल दो भाई बेईमान पड़े हुए एक कि एक इंसान के यहाँ बारह दिन तेरह दिन पढ़ाया और मेरा हुआ ग्यारह सौ रूपया कुछ फीस हुआ सात सौ रूपया दिया भाई क्या कह सकते हैं ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को कुछ कहना भी पाप है अगर मेरी वीडियो पसंद फ्रेंड्स आती है आप लोगों को तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और बताएं आप सबके लाइफ में क्या चल रहा है कैसा सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं और अपनी लाइफ में अगर बिजी हैं तो क्या करके बीजी हैं कैसे बीजी हैं और पॉलिटिक्स की कुछ बातें हैं तो कमेंट में कर लीजिए क्योंकि यूपी में भी फिलहाल में चुनाव चलने वाला है छह मंथ के बाद तो हमको लगता है कि योगी की सरकार आ सकती है क्योंकि योगी भी अच्छी है कम्पटेटिव दोनों हैं सपा और बीजेपी बहन जी तो कहीं कहीं नहीं है बहन जी कहीं भी नहीं है तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार बनने की इसलिए ज्यादा चांसेस है देखिए बीजेपी लोग कहते हैं बीजेपी ने बहुत कुछ नहीं किया लेकिन हमारे आप गांव में आएंगे ना तो आपको हंड्रेड हंड्रेड घर ऐसे दिखाएंगे जिनको आवाज मिला है और एक आवास की जो कीमत मतलब लोगों को मिली वो ढाई लाख रूपये मिला है आप टेन से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गए ट्वेंटी फाइव लैक्स हो गए तो सो सोचे इसलिए और भी मेरे साइड में एक रोड है मैं देखिए गीत नहीं गा रहा हूँ सपा की सरकार भी अच्छी की है सपा की सरकार में ये अच्छी हुई कि उसने एम्बुलेंस एक सौ और जो ए वन हंड्रेड वाली जो गाड़ी रेड है 1600 सौ सो कितनी सोलह हजार चार हजार कुछ गाड़ियां उन्होंने लॉन्च की यूपी में और एक दिन में पांच करोड़ प्लांट्स लगाने का कार्य किया और भी सपा सरकार में लैपटॉप बांटा गया बच्चों का स्कॉलरशिप कभी नहीं रोकते थे हर बच्चों को वो स्कॉलरशिप दे देते थे कि योगी सरकार में स्कॉलरशिप फाउंडेशन लगा दिया 50 परसेंट का अरे भाई गरीब बच्चा कुछ ऐसा भी होगा जिसने आ, अपना खुद खुद पढ़ पढ़ के पढ़ा मतलब पढ़ रहा हो और एग्जाम में उसके कुछ अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पाया हो तो गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए था और अपनी क्या है आप राय रखते हैं मैं तो समझता हूँ दोनों ही सरकार अच्छे हैं लेकिन सपा की सरकार में सपा सरकार में बस यादव और मुसलमानों को अधिक देखा जाता है और योगी भी अच्छे नहीं है योगी भी बहुत काफी गंदा काम करते हैं क्योंकि इनका भी सरकार में ये है कभी अभी भी हिंदू मुसलमान काफी करते हैं असुद्दीन ओवैसी साहब हैं तो वो भी कुछ अच्छे नहीं है हिंदू धर्म में लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए हम बस इतना कहेंगे कि हमें हर एक धर्म का रिस्पेक्ट करना चाहिए चाहे वो मुसलमान धर्म हो चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे क्रिश्चियन धर्म हो चाहे सिख धर्म हो भगवान तो भगवान होते हैं आप जिनको आप पूजो हर एक कड़ में विराजमान भगवान है और रिस्पेक्ट हमें हर एक इंसान को देना चाहिए क्योंकि भगवान है आस्था रखनी चाहिए आप नहीं रखते हैं मत रखिए है। आपकी वो सोच है लेकिन आप ये बात किसी को कहिए कि तुम भी मत रखो अगर ऐसा आप कहते हैं तो आपकी सोच इस वे में अच्छी नहीं है क्योंकि वो आपका वो अपना मतलब हम लोग को मौलिक अधिकार मिला है आप किसी को रोक नहीं सकते हैं हमारे संविधान में है भाई और फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें एंड शेयर करें फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें फ्रेंड्स प्लीज